हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने फ्रंट ब्रेक का कैलिपर रिमूव कर सकते हैं और उसे क्लीन कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ब्रेक पैड्स आपको चेंज करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं अपनी मीटियोर 350 में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में काम आता है। अगर आपकी बाइक से कोई नॉइस वॉइस आ रहा है फ्रंट से, तो आप उसे निकाल के पैड्स को अच्छे से साफ़ कर ले, जो वहाँ पे डर्ट वर्ट है वो निकल जाएगा, या फिर कोई मॉइस्चर हो वो निकल जाएगा, तो वो नॉइस आना बंद हो जाएगा। और अगर आपकी ब्रेक पैड्स को आपको चेंज करना है, ख़राब हो गया है वो, कम्प्लीटली बिल्कुल रब हो गया है, तो वहाँ पे भी आप इसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही मीटियोर रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्लिप जो आप ये देख रहे हैं, ये क्लिप आपको निकालना है, और ये आप अपने हाथ से ऐसे खींच के निकाल लोगे, ठीक। और उसके बाद जो ये जो लगा हुआ है एक रॉड पिन, उसे निकालना है, ठीक है। तो इसे यहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर पतला सा डाल के थोड़ा सा प्रेस करोगे आप, तो उधर से निकल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, एक पैड निकल गया ये क्लिप निकालते ही, ठीक। अब आपको लेना है एक स्पैनर 12 mm का, और यहाँ पे इसे ओपन करना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, और ये हो गए पैड्स। और अगर आपको चेंज भी करना है तो भी आप इसी तरह कर सकते हैं, नया लाके इसमें डाल के चेंज कर दीजिए, ठीक। अब अगर आपने लगा लिया तो इस बीच गैप में जो यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे इस डिस्क ब्रेक को डालना है आपको, ठीक। और ये हो गया फिर से कंप्लीट, ठीक। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।